लक्षित सरीन की माता एचएमबी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन अपने बेटे पर काफी गर्व महसूस करती हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह हैरान है कि उनके बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि लक्षित सरीन ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर अपने परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया है। लक्षित सरीन ने यूपीएससी परीक्षा में 667वां रैंक प्राप्त किया है। लक्षित ने बीकॉम ऑनर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है। उनके पिता अशोक सरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माता डॉक्टर अजय सरीन एचएमवी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। इस दौरान उन्होंने लक्षित का मुंह मीठा करवाकर उसे शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नाना एएल धवन, नानी निर्मल धवन सहित सभी पारिवारिक सदस्य गण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज लक्षित की जो ये अचीवमेंट है उसके मौके पर मैं उस परमपिता परमात्मा का तो शुक्रिया अदा करती ही करती हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक मैसेज जो है वो देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में विश्वास है, कड़ी मेहनत है, आपके बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स हैं और उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है तो शायद आप दुनिया में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये हमारे घर में सत्य हुआ है। बच्चे की लगातार मेहनत, उसकी पैशन, बुजुर्गों का आशीर्वाद और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज ये बच्चा इस लेवल तक पहुंचा है। और मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगी कि ये आईएएस का या यूपीएससी का सफ़र जो है ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें आपके पास बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि जब आपकी स्पिरिट्स बहुत अच्छी होती हैं और बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आते हैं। उन सारे मोमेंट्स में परिवार की सपोर्ट जो है, जो बच्चे को मिलती है, वही उसको किसी मुकाम पर लेकर जाती है। सर, फैमिली का योगदान तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी मदर जितने भी मेरे एग्ज़ाम साइकिल्स थे हमेशा मेरे साथ होते थे तो और मेरे को लगातार मोटिवेशन देते थे। इस एग्ज़ाम में पिछले साल मेरे को फेलियर का सामना भी करना पड़ा, तब भी पूरी फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे इस एग्ज़ाम में आगे प्रोत्साहन देने के लिए। सर, मेन मोटिवेशन मेरा रहा जब मैं दिल्ली में था तो मैंने देखा कि सर्विस पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गैप है। पॉलिसीज़ बन रही हैं पर जो उनके जिनको मिलनी चाहिए वो उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, मेरा गोल होगा कि जिस भी छोटी से छोटी कैपेसिटी में भी मैं इस गैप को थोड़ा ब्रिज कर पाऊँ। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोबाइल का थोड़ा दुरुपयोग तो रहता ही है, तो सोशल मीडिया मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल के पीरियड में बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़ा कंट्रोल, एक लिमिटेड समय पर ही मोबाइल को यूज़ करना, कोशिश करना कि जितना भी इंटरनेट रिलेटेड काम है वो एक ड्यूरेशन में ही प्रॉपरली पूरा किया जाए। बाकी सर, 3 साल की कड़ी मेहनत है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, उसी कारण इसमें मुझे इतना सक्सेस मिल पाया है। अदरवाइज सर, टाइम काफ़ी लगता है इसमें और लगातार एग्जाम्स होते हैं तो प्रेशर और फेलियर दोनों का कभी कभी सामना करना पड़ता है। एग्जाम कैसा रहा, उसमें क्वेश्चनिंग कैसे आई? हाँ मैम, क्वेश्चनिंग मैम काफ़ी मेंस तक तो नॉर्मल ही रहते हैं क्वेश्चंस की। जैसे एक क्वेश्चन अच्छा आया था कि वीट एंड राइस शुरू में भारत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुए पर अब ये धीरे धीरे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये मेंस में भी हमें क्वेश्चन से पूछा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अलावा ऐसे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इंसान से इंसानियत की तरफ की एक जर्नी बहुत लंबी है तो वो आप कैसे, उसके ऊपर लिखी 1000 शब्द। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में भी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपका एक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए। जैसे मुझसे पूछा कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक ही शब्द बताएं, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक शब्द में डिफाइन करें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। कितने साल से इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? मैम, 3 ईयर के पीरियड से, 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की। 2019 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया और 20th में फाइनली अब मेरे